आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कहाँ पढ़े थे हमने? ऑर्गेनोफॉस्फेट कोलिनर्जिक ड्रग्स तब पढ़े थे, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट पढ़े थे, एंटी कोलिन एस्टरेज पढ़े थे, यानी कि एंटी कोलिनर्जिक एस्टरेज को इनहिबिट करने वाले जो एंजाइम था, ये वाला, इसको इनहिबिट करने वाले, इसको इनहिबिट करते थे तो एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता था। ओके, फिजियोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, ये वाले ड्रग्स, फिजियोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, मेलाथियोन, पैराथियोन वगैरह करते थे। सो ये तो रिवर्सिबली थे, ये इरिवर्सिबली थे। मैंने बताया था उस वीडियो में कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं, मेलाथियोन, पैराथियोन, डीएफपी, इनका कोई क्लिनिकली यूज है ही नहीं। ओके, सो ये बस जो किसान वगैरह होते हैं, खेतों में काम करते हैं, मैं भी किसान हूँ, वहाँ पे ये दवाई के रूप में खींचते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, सो किसानों के शरीर में चली जाती है। ओके, और क्योंकि लिपिड सोल्यूबल से चले जाते हैं तो फिर उनको पॉइजनिंग हो जाती है। और इसमें से सिर्फ एकोथायोपेट का थोड़ा सा यूज है, वो भी रेयरली यूज है, ग्लूकोमा में यूज करते हैं, जब कोई भी ड्रग्स काम नहीं करते तब करते हैं, बाकी बहुत कम यूज करते हैं, बाकी इनका कोई भी क्लिनिकली यूज है ही नहीं इनका। ओके, सो तुम फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़ोगे इसके बारे में, टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ोगे। सो इनकी अगर पॉइजनिंग होगी पेशेंट को, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। सो ये जो पॉइजनिंग है, मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। क्यों? कॉमन ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड कौन कौन से? पैराथियोन, मेलाथियोन, डेफलोसिस, ईटीसी, दे आर इरिवर्सिबली इनहिबिट कोलिन एस्टरेज। जो बताया था ना, इरिवर्सिबली थे ये सारे, मेलाथियोन, पैराथियोन, ये इरिवर्सिबली थे। तो ये इरिवर्सिबली जब ब्लॉक कर देंगे इसको, तो क्या होगा? इसको अगर हम ब्लॉक कर दें, इनहिबिट कर दें एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को, तो ये एसिटाइल कोलिन टूटेगा नहीं, नहीं टूटेगा तो एसिटाइल कोलिन बहुत बढ़ जाएगा, और इसके वजह से फिर इसके जो रिसेप्टर हैं इन पे एसिटाइल कोलिन बहुत बढ़ गया तो रिसेप्टर पे काम करेगा और ये सारे एचसीएल बढ़ा देगा, तो पेप्टिक अल्सर, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकस पे काम करेगा, जीआईटी पे, ब्लैडर पे, ये सारे उसके साइड इफेक्ट आएंगे उसको फालतू में। सो बस उसी को ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग बोलते हैं। एसिटाइल कोलिन बढ़ा तो क्या गेंग्लिया पे काम करेगा, एनएन पे, तो क्या कन्फ्यूजन, ओके, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। फिर है कोमा भी हो सकता है उसको, एनएम पे काम करेगा तो मसल वीकनेस हो जाएगी उसको। M1 क्या है, कहाँ था? स्टोमक में था। सो वहाँ पे अगर काम करेगा तो एचसीएल बढ़ा देगा, उसे अल्सर हो सकते हैं। M2 हार्ट रेट, बीपी को कम कर देगा, हार्ट पे था। M3 सब जगह था, यानी कि प्यूपल में था, तो पिन पॉइंट प्यूपल, म्यूसिस करता था, तो पिन पॉइंट प्यूपल बहुत छोटी हो जाएगी, और सिक्रेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, इनको देख के हम पता कर लेते हैं कि उसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुई है। डायरिया करवा देगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, बहुत बार बार उसको यूरिन आएगा, ब्रोंको स्पाज्म कराएगा या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। सो ये सारे सिम्टम्स को आएंगे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट है ड्रग ऑफ चॉइस है एट्रोपिन। ये अगर किसी को ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होगी तो उस कंडीशन में हम एट्रोपिन को IV देते हैं। क्यों देंगे? क्योंकि एट्रोपिन, मैंने बताया था, M1, M2, M3 तीनों को ब्लॉक करता है। एट्रोपिन क्या थी? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये सारी ये सिम्टम्स किसके वजह से आ रहा है? कोलिनर्जिक ड्रग्स के वजह से आ रहा है, और हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स अगर एट्रोपिन यूज करें तो इनको सबको ब्लॉक कर देगी वो। ओके, M1, M2, M3 को, और ये सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। सो ड्रग ऑफ चॉइस है एट्रोपिन। IV देते हैं कब तक? एवरी 5 मिनट टिल साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। एट्रोपिनाइजेशन कौन से साइन होते हैं? जब तक जो प्यूपिल है, ये तो म्यूसिस है, उसे पिन पॉइंट प्यूपल, पिन के समान प्यूपल है, बहुत छोटी प्यूपल हो गई, अगर इसका पूरी तरह से मिट्रियासिस नहीं हो जाए, प्यूपल डायलेट नहीं हो जाए पूरी तरह से, तब तक जैसे सीक्रेशन को बिल्कुल कम कर देगा, सीक्रेशन इसमें बड़े थे तो सीक्रेशन को कम कर देगा, मिट्रियासिस कर देगा म्यूसिस की जगह, मोस्ट कॉमन है ये, और हार्ट रेट को बढ़ा देगा। यहाँ क्या था? ब्रेडिकार्डिया था, हार्ट रेट कम थी, यहाँ हार्ट रेट बढ़ गई, इसे टैकीकार्डिया। सो अगर ये सिम्टम्स तब तक नहीं आ जाए, जब तक हमको हर 5 मिनट में एट्रोपिन को IV देते रहना है, डोज बढ़ाते जाना है, डबल डोज कर दो, ट्रिपल डोज कर दो, ऐसे बढ़ाते जाना है, और तब तक बढ़ाना जब तक ये सिम्टम्स ना आ जाए। ये सिम्टम्स आ जाए तो हम समझ लेंगे कि उसकी पॉइजनिंग ठीक हो गई। दूसरी जो ड्रग्स है वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज डीएक्टिवेटर्स है, ऑक्जिम बोलते हैं उनको। ऑक्जिम्स जो होते हैं आगे पढ़ेंगे, प्रालिड ऑक्जिम, इसमें ऑक्जिम आएगा लास्ट में, एंड विथ ऑक्जिम, वो सारी ड्रग्स ऑक्जिम में ही आएंगे। प्रालिड ऑक्जिम, डाई एसिटाइल मोनो ऑक्जिम, DAM, OO क्या लिखा है? ऑक्जिम ओनली फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ओके, देखो एट्रोपिन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं तुम्हें, जो एट्रोपिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, दूसरा कार्बामेट पॉइजनिंग, और तीसरा है अर्ली मशरूम पॉइजनिंग। इनके फुल फॉर्म लिख देना, एक बार फिर से बोल देता हूँ, तीनों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है एट्रोपिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, कार्बामेट पॉइजनिंग और अर्ली मशरूम पॉइजनिंग। कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये वाले मैंने बताए थे, ये कार्बामेट थे। ओके, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ये कार्बामेट है। सो कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, अगर कोई भी इनमें से पॉइजनिंग हुई उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एट्रोपिन। ओके, और एट्रोपिन किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है? कार्बामेट के लिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए, और अर्ली मशरूम पॉइजनिंग के लिए भी। लेट मशरूम पॉइजनिंग में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में ये
ड्रग ऑफ चॉइस है एट्रोपिन। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। ये लेक्चर बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, सो इसको याद करना है, अच्छे से समझ लेना है इसको। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।